अब बिल्कुल पैकअप हो गया है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स रखा गया है, यहाँ से हम ऊपर जाने का रास्ता बनाया है। भविष्य में कभी यहाँ पे रिपेयरिंग करनी हो तो यहाँ से आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग भी अपने घर की छत के लिए ऐसे ही सीलिंग करवा सकते हैं, जहाँ पे आपका स्लेट और लकड़ का दार लगा हो वहाँ पे भी आपका ऐसा काम हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखें, धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से घरों की छतें लगाई जाती हैं, स्लेट और नीचे बांस के पल्ली लगाए जाते हैं, दार लगाया जाता है। तो अंदर की तरफ से आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पौड़ियाँ हैं। पौड़ियों को कवर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक होल बनाया गया था, मोंटी बनाई गई थी। तो यहाँ पर लकड़ का दार लगा कर देख सकते हैं आप लोग, स्लेट लगाए गए थे। तो नीचे से देखने में बड़े अजीब सा लगता था ये सिस्टम, क्योंकि अंदर जो है वो कबूतर आ जाते थे और नीचे बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता था। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे यहाँ पे फैब्रिकेटर जो हैं वो लाइनर सीट का सीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एंगल का फ्रेम लगाया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एंगल का साइज़ जो है वो 32:3 का है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के लिए पाइप लगाई गई है पर्लिन के लिए, वो 1 इंच बाई 1.5 इंच की रेक्टेंगल ट्यूब लगाई गई है, ठीक है। जो डिस्टेंस रखा गया है पर्लिन टू पर्लिन वो 32 इंच का रखा गया है। और हमारे जो भाई हैं यहाँ पे स्टार स्क्रू की सहायता से सीट इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस एरिए को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं सीलिंग से, और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से सीट इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। अगर आप लोग भी ऐसा काम करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने मन में आने वाले सवालों को पूछ सकते हैं। दोस्तों, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सीलिंग करके इस एरिया को कवर किया जाएगा, पहले कैसा दिख रहा था, सीलिंग होने के बाद आपको कैसा दिखेगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, टाटा ड्यूरेशन कंपनी की हम लाइनर इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और सामने की तरफ हम लोग एक छत के ऊपर जो मंदिर की छत है, टोपी है, उसके ऊपर स्लेट लगाने का कार्य भी साथ में कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे स्लेट इंस्टॉलेशन का कार्य भी साथ में कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लोहे का दार लगा के देख सकते हैं आप लोग, बॉर्डर वाइट कलर का लगाया है हमने, और नीचे की तरफ को डाउन सीलिंग भी दी है। तो यहाँ पे भी हमारा दूसरा काम चला हुआ है, इसका भी फुल वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हम ये वाला जो कार्य है वो कैसे कर रहे हैं। सीट की लेंथ होती है 8 फीट, चौड़ाई 4 फीट। तो यहाँ पर स्टार स्क्रू जो कि हम KP कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं। जिस कलर की हमारी सीट है उसी कलर के स्क्रू लगाए जा रहे हैं। तो मास्टर देख सकते हैं हमारे कुमार साहब जी हैं, वो सीट इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, और प्रदीप कुमार जी भी देख सकते हैं जी। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। फुल डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कितना कॉस्ट आएगा इस सीलिंग को करने के लिए, क्योंकि ये मजबूत सीलिंग होती है, इसे जंग नहीं लगता है और ना ही ये टूटती है, अनब्रेकेबल सीलिंग होती है दोस्तों ये वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड भी दिया हुआ कंपनी ने, इसके द्वारा आप प्रोडक्ट की फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सीट इंस्टॉल करने के तुरंत पश्चात हम लोग इस लैमिनेशन पेपर को, पन्नी को निकाल देते हैं। ये तब तक होती है जब तक हम सीट को इंस्टॉल नहीं कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसका अब कोई काम नहीं है। ये देखिए, अब देख सकते हैं कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है सीट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से सीट लगाई जाती है। यहाँ पे ओवरलैप दिया जाता है 2 इंच का, और गोले के ऊपर गोला बिठाया जाता है, उसके बाद हमारी सीट जो है वो इंस्टॉल की जाती है। देख सकते हैं आप लोग, अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जो पर्लिन टू पर्लिन गैप रखा जाता है वो 32 इंच का रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था काम करना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लोहे की पैड़ी ही बना दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भी सेफ्टी से काम करें,
और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं जो फ्रेम लगाया गया था, इसके लिए ऊपर की तरफ कोई सपोर्टिंग नहीं थी, क्योंकि ये लोहे का काम पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो मजबूत नहीं होना था, इसके लिए हम लोगों ने स्टील बार जो है वो लगा दिए हैं दीवार के साथ, देख सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको मैंने सुबह दिखाया था, हम इस रूम के अंदर सीलिंग कर रहे थे, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये सीलिंग करने के बाद कैसा दिखेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोगों ने यहाँ पे सीलिंग कर दी है, सीलिंग से पहले आपने देखा था यहाँ पे जो बांस का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल पैकअप हो गया है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स रखा गया है, यहाँ से हम ऊपर जाने का रास्ता बनाया है, भविष्य में कभी यहाँ पे रिपेयरिंग करनी हो तो यहाँ से आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एंगल का बॉर्डर लगाया था। दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए मेटल का एंगल कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रोटिंग करके यहाँ पे स्टील बार जो है बीच बीच में लगा दिए हैं, जिससे ये होगा कि हमारी स्ट्रक्चर जो है वो हैंडल हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रू की सहायता से हम लोगों ने टाटा कंपनी की सीट जो है वो इंस्टॉल कर दी है, और यहाँ पे एक झूमर लगाने के लिए एक हुक भी लगा दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और टोटली हमारा जो वर्क है वो फाइनल है। फीडबैक जरूर दें कैसा लगा आपको हमारा ये काम। और इस रूम के अंदर जो हमारी सीट इंस्टॉल की गई है, 5 लाइनर सीट इंस्टॉल की गई हैं यहाँ पे, 8 फीट बाई 4 फीट की। एक सीट का प्राइस है 1220 रुपये, और यहाँ पे जो स्क्रू लगाए गए हैं वो 200 स्क्रू हमारे स्टार स्क्रू लगे हैं, तो और यहाँ पे जो पाइप लगाई गई है वो हमारी 3 पाइप 1 इंच बाई 1.5 इंच की लगाई गई हैं, और 50 फीट हमारा एंगल लगाया गया है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये हमारा काम था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, ढेर सारा प्यार दे वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में।